Well, good evening, assalamu alaikum, it's I, Mansoor. Welcome, warm welcome on my YouTube channel, Success Roy. बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो आज हम जो एक टॉपिक लेके आए वो बहुत ही तड़कता बड़कता टॉपिक लेके आए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर. टॉपिक क्या है? ऑफ और ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ है. मतलब इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है? मतलब मोस्टली जब बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, ऑफ और डबल एफ, सिंगल एफ और डबल एफ वाले के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हम इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट से और कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है ना, मैंने दो एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं और तीन एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं. ठीक है ना, तो बिना बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले हमने सिंगल ऑफ को बता रखा है, उसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है. देखिए क्या है, इट डेनोट्स पोजेशन, अधिकार. ठीक है, रिलेशनशिप, संबंध या ऑनरशिप, यहां भी अधिकार. मतलब ऑफ किस किस को बताता है? अधिकार को बताता है, मालिकाना अधिकार को बताता है. का और की के सेंस में यूज होता है ना, का की के, है नी? हमें क्या सिखाया जाता है कि ऑफ की मीनिंग होती है का की के. मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप ऐसे समझो कि जहां पर पोजिशन की बात होगी, मालिकाना अधिकार की बात होगी, जहां पर रिलेशनशिप की बात होगी, जब आपका किसी चीज से संबंध होता है, वहां पर ऑफ का यूज होता है. अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कोज. कोज मतलब कारण, कारण. ठीक है, मतलब कारण बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं. ओ सिंगल है, ठीक है ना. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी हम पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. जैसे कि मैंने यहां पर दो प्रेपोजिशन दे रखे, ऑफ और फ्रॉम. वो कैंसर से मरा, कैंसर से मरा. आप से के सेंस में आपको क्या पढ़ाया गया है कि जहां पर से आएगा वहां पर फ्रॉम लगाओगे, हैं? आज भी टेस्ट हुआ था ट्यूशन के अंदर हमारे, तो कई बच्चों ने फ्रॉम लगा दिया था. क्योंकि फ्रॉम क्या है, बच्चों को ये पता है कि जहां पर से आ जाएगा वहां पर फ्रॉम का यूज होगा. ठीक है ना, लेकिन नहीं, यहां पर मतलब कारण बना. कैंसर क्या बना? कारण बना. ठीक है, तो जहां पर भी कोई कारण बनेगा वहां पर ऑफ का यूज होगा. ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों? ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा. ऑफ फ्रॉम का सेंस ये मत देखो कि से निकल रहा है. ठीक है ना, अगला एग्जांपल क्या है? द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, है नी? अब देखो यहां पर ऑनरशिप को दिखा रहा है, अधिकार. मतलब जो शेक्सपियर के ड्रामास हैं, है नी? तो शेक्सपियर के ड्रामास हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. ठीक है ना, तो ये हमारे ऑफ के सेंस हो गया और हमने दो एग्जांपल से आपको समझा दिया. आई होप कि आपके ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, अब चलते हैं ओ और डबल एफ के आगे, है नी? ये ओ और डबल एफ किस चिड़िया का नाम है? तो उसकी डेफिनेशन देखिए, सेपरेशन. सेपरेशन की मीनिंग होती है अलग होना या डिटेचमेंट, अलग होना. इसकी मीनिंग भी अलग होना ही होती है. ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, अलग होना. ठीक है, अलग होना मतलब ऑफ वहां पर यूज होता है, ओ डबल एफ जहां पर हम किसी चीज से सेपरेट, अलग होते हैं. एग्जाम्पल से समझिए, स्विच ऑफ द फैन, सुना होगा आपने, यूज भी करते हो लेकिन पता नहीं क्यों यूज करते हो, है नी? स्विच ऑफ द फैन मतलब लाइट अलग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी अलग हो रही है नी? फैन से इलेक्ट्रिसिटी का सेपरेशन हो रहा है. क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन टेक ऑफ. प्लेन जमीन से उड़ता है तो टेक ऑफ यूज करते हैं ना. टेक ऑफ मतलब उसका जमीन से सेपरेशन हो रहा है, वो अलग हो रहा है. ठीक है, आई होप कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा. अब ये कुछ कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस मैंने लिए दो. क्या? पुट ऑफ द कैंडल, पुट ऑफ द कैंडल, ब्लो ऑफ द कैंडल. क्या समझ रहे हो उसको? बुझाने के लिए, या हाथ आप कैसे बुझाते हो? तो फूक मार के, है नी, ऐसे बुझाते हो, या फिर इस तरीके से बुझाते हो, लाइट आती है नी? एक बारी में कभी नहीं बुझी, मुझसे यकीन मानना. तो पुट ऑफ या ब्लो ऑफ, आप कहोगे सर यहां तो ऑफ ही आएगा क्योंकि आग का सेपरेशन हो रहा है, आग अलग हो रही है नी? अभी वो जल रही थी, किसमें? एक बत्ती में चल रही थी. आप जब उसको बुझाओगे तो ऑफ का यूज ही होगा, लेकिन नहीं, यहां पर ऑफ नहीं आएगा, ना ब्लो के साथ ना पुट के साथ, क्योंकि ये दोनों की मीनिंग ही अलग है. आपने सुना होगा फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब वर्ब से और प्रेपोजिशन से मिलके बनते हैं. यहां पर इन दोनों की मीनिंग अलग है. पुट ऑफ की मीनिंग है यहां पर पोस्टपोन. क्या है? पोस्टपोन, स्थगित करना किसी चीज को. ठीक है, और ब्लो ऑफ की मीनिंग है डिस्ट्रॉय करना,
मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, और किससे? बम से, ठीक है ना। ब्लो ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को बम से उड़ा दो, ठीक है ना। और पुट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो, ठीक है ना। अब आप कहो कि सर जी अगर ये मोस्टली इस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाते, क्योंकि बच्चों को बताया गया कि ऑफ सेपरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर ऑफ की जगह आउट यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चा? आउट, पुट आउट, ब्लो आउट द कैंडल, ठीक है ना। तो ये थोड़े से एक्सेप्शन थे जो मैंने दो आपको बता दिए। एक्सेप्शन तो और भी है, लेकिन जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। जूम करके दिखा दे, एक जगह रोक के, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि बच्चा लोग कई दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और ड्रॉप अ कमेंट, और चैनल पर नए तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।